नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं टेक की शुभ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन को काला कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि जो आज मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफ़र नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं ऑफ़र्स बता देता हूँ आपको, लेकिन आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, वो है UPI से रिलेटेड। जैसे दोस्तों, UPI आप यूज़ तो करते होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रमोशन किया था गवर्नमेंट ने कि हम विदाउट इंटरनेट पैसा भेज सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि कैसे भेजें, विदाउट इंटरनेट तो नहीं भेजा सकता। तो उसके लिए मैं आज ये पूरा डिटेल ट्यूटोरियल आपके लिए दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखो और समझ लो। ओके, तो ये एक UPI बेस्ड सिस्टम है। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक भीम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जब इंटरनेट रहेगा तब डाउनलोड करो, बैंक लिंक कर दो, आपको जो मोबाइल नंबर आपका मोबाइल बैंक में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर से लिंक कर दो। बाद में लिंक होने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ देखो, सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे एक *99# का ऑप्शन मिलता है, उसे अनेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल रहता है, नहीं रहेगा तो अनेबल करना है। ओके, अनेबल करने के बाद आप ऑफलाइन मतलब बिना इंटरनेट के इजीली कोई भी UPI ID को पैसा भेज सकते हैं या किसी भी नंबर को पैसा भेज सकते हैं जो आपके भीम में जो भीम एप्लीकेशन यूज़ करता है उसी नंबर को आप इजीली भेज सकते हो। और रही बात बेनिफिशियर की, तो बेनिफिशियर को भी भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है। तो पहला मैं आपको *99# डायल करके दिखाता हूँ। तो जैसे वो ये हो गया, सेटिंग कर दिया आपने, *99# अनेबल हो गया। ओके, बाद में आपको यहाँ जाना है, *99# डायल करना है। डायल किया *99, जिस नंबर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है बैंक में उसी नंबर से डायल करना है। ओके, तो डायल करने के बाद *99# तो इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ओके, तो उसमें से आपको जो चाहिए सिलेक्ट कर लो। मैं आप पहला प्रोफाइल देखता हूँ। ओके, प्रोफाइल में जाने के बाद आप देख सकते हो इससे बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी चाहिए चूज करो। मुझे कुछ देखना नहीं इसलिए मैं बैक आता हूँ। आपको मैं आप सेंड मनी करके फिर प्रूफ दिखाऊंगा। ओके, तो मैं सेंड मनी क्लिक करता हूँ। सेंड मनी करने के बाद मैं UPI ID देके सेंड कर देता हूँ पैसा मेरे पेटीएम की UPI ID पे जो मैंने बनाया, उस पर 10 रुपया मैं डाल के सेंड करता हूँ। 10 रुपया डाल के उसमें सेंड करता हूँ, तो मुझे बाद में वो UPI PIN मांगता है। तो आप समझ सकते कितना सिक्योर UPI PIN राइट होगा तो ही पैसा जाएगा। ओके, भाई तो बहुत ही सिक्योर बनाया है इसे USSD सर्विस को इस। तो UPI PIN देते हो इसे तुरंत ऑफलाइन तरीके से अपने बैंक के अकाउंट में, मतलब जो सामने बेनिफिशियरी अकाउंट में चला जाता है कोई भी UPI ID पे। ओके, UPI ID मोबाइल नंबर या बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। ओके, सेव बेनिफिशियरी, यू नो, ओके, सेव बेनिफिशियरी में जाएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इस *99# इस सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक भीम ऐप होना चाहिए, उसमें आपका बैंक ID लिंक होना चाहिए। ओके, तो लिंक होने के बाद सेटिंग में जाके आपको *99# अनेबल करना है, तो बाद में आप इजीली इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं चाहूँगा जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी कहो कि इस सर्विस का आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हो। और रही बात इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की, वो कैसा आपको लगा, प्लीज़ मुझे एक लाइक करके बताओ और कमेंट में भी बताओ कि आपने इस सर्विस को पहले यूज़ किया था कि मेरा वीडियो देखने के बाद यूज़ कर रहे हो। तो ये सब कुछ ज़रूर बताना मुझे कमेंट में, और दोस्तों में ये वीडियो बहुत ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वो भी जान सके कि कैसे आप इजीली विदाउट इंटरनेट UPI में पैसा भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ, उसके लिए एक बड़ा सा सब्सक्राइब बटन दिखेगा नीचे, उसे सब्सक्राइब करके काला कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑफर्स से भरे वीडियोस मैं हमेशा मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।